ਕਾਲ ਬੱਚੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਬੈਚ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਕੋਰਸ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੀਚਰ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਸ ਵੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਕੇਜ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਬੈਚ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਬੈਚ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੈਚ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ 'ਚ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਚਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਲਡਰਸ ਬਣ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ 'ਚ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਅਕੈਡਮੀ ਐਪ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਹੈ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓ ਆਰ ਜੀ ਕੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ 5 ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਐਪ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਜਰਨੀ ਹੋਊਗੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਬੱਚੋ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੈ ਫੋਰ ਯੋਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ उम्मीद है सब तो पहला लाइक शेयर वाला बटन है कर दो ठीक है सारे बच्चे जिन्हें भी इस टाइम जुड़े हुए हैं सारे बच्चे जल्दी तो जल्दी सैशन लाइक शेयर जो कर दो ताकि सैशन है वह अपना स्टार्ट कर सकी ठीक है ठीक है हाँ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू ठीक है सारे बच्चे जल्दी तो जल्दी सैशन जो शेयर कर दो क्योंकि अब अपना डे 9 हो चुका है ठीक है भी कंटिन्यू अपनी क्लास जी चल रही है जिसे आप एक लैवल जो अपने आप प्राप्त कर चुके हैं ठीक है तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी सैशन शेयर कर दो लाइक कर दो वेरी गुड इवनिंग खुश राहुल चंडीगढ़िया विश्व सिकंदर सुखप्रीत सिंह ठीक है पुष्पिंदर इकबाल सिंह प्रिंसदीप सिंह वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू लवप्रीत सिंह वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू ठीक है तो सब तो पहला सैशन नू हाँ वेल ठीक है लाइक ते शेयर जिहड़ा कर दो सारे बच्चे जल्दी तो जल्दी सैशन नू लाइक कर दो शेयर कर दो ताकि अज का सैशन है वह आप स्टार्ट कर सकी ते अज दे सैशन की खास गल की होगी अज दे सैशन दे विच हर तरह का क्वेश्चन मतलब एक तो स्केयर रूट वाले क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे ठीक है दूसरी गल पौड़ी वाले क्वेश्चन जो कहते हो पौड़ी वाले क्वेश्चन कराओ तो पौड़ी वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे तीजी गल बार वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर एक तरह का क्वेश्चन अज के सैशन देखने मिलेगा हाँ बिल्कुल है सोनू बिल्कुल है ठीक है बिल्कुल है सत श्रीकाल सारे बच्चों सत श्रीकाल ठीक है हाँ जी वेरी गुड इवनिंग रामवीर नीरू देवी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू ठीक है तो आप बहुत गल करते हुए मैं तुम्हें एक बार ओवरव्यू देना अज के सैशन का ओवरव्यू तो देखो अज तेन इदा के क्वेश्चन काफी स्केयर रूट वाले पौड़ी वाले काफी तरह के क्वेश्चन तुम देखने को मिलने हैं तो तुम डोंट वरी हो जाओ तो सब तो पहले सैशन में शेयर से लाइक जरा सारे बच्चे कर दो ठीक है सारे बच्चे लाइक कर दो शेयर कर दो सैशन ताकि अज का सैशन जो आप स्टार्ट कर सकी ठीक है हाँ तो होमवर्क के क्वेश्चन हर बार की तरह आप अज भी डिस्कस करा होमवर्क के जिन्हें भी क्वेश्चन आप देने होंगे कल 3 क्वेश्चन दिए थे तो तीनों के तीनों क्वेश्चन आज के सैशन में अपन डिस्कस करेंगे ठीक है उसकी कोई चिंता करने की लोड़ है नहीं तो आप पहले क्वेश्चन तो अपनी आज की महफिल जी है स्टार्ट करने जा रहे हैं मैं उम्मीद है कि सारे बच्चों ने सैशन में शेयर करता होगा ठीक है तो लाइक भी करता होगा ठीक है चलो भी तो आप पहले क्वेश्चन तो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं तो पहले क्वेश्चन का आंसर जरा दो इस तरह आप अगे बढ़ा अच्छे स्केयर रूट वाले मैं 3-4 क्वेश्चन रखे है इदू बार पौड़ी वाले क्वेश्चन आने फिर बार वाले क्वेश्चन आने हर एक तरह का क्वेश्चन आऊगा ठीक है हाँ
हर एक तरह का क्वेश्चन आऊगा तो सैशन हर एक तरह का क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन दस करो सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर वन स्क्रीन देते आ चुके हैं, पहला क्वेश्चन स्क्रीन देते आ चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर की होगा सारे बच्चे कमेंट करके, उसे भी पहले क्वेश्चन का राइट आंसर की होगा सारे बच्चे कमेंट करके, उसे भी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने, पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। तो चार ऑप्शन सामने, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड द लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। तो केड़ा अपना राइट आंसर होगा? वेरी गुड, आंसर होने शुरू हो चुके हैं। विश्व आ गया, ओल जोन, सरदार साहब, अर्शी पुरबा, चंडीगढ़िया, इकबाल सिंह, गगन सिद्धू, खुश, रामवीर, अमृत, सिकंदर। वेरी गुड, वेरी गुड राहुल, ठीक है। तो आंसर तो आने शुरू हो चुके हैं, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। हाँ तो हम अपन लग रहा भी बाकी कंसैप्ट समझ आ चुके हैं। चलो देखो भी क्वेश्चन को किवें करीदा हुंदा है, जदों भी स्केयर रूट का क्वेश्चन आ जाए, सब तो पहली गल जदों भी स्केयर रूट का क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट तो शुरू करीदा हुंदा है, मतलब जिन्हों आप कहने इहदी टेल, टेल मतलब पूछ, मतलब इदां दे क्वेश्चन हमेशा टेल तो शुरू करीदा हुंदा। टेल का मतलब की हुंदा है सर? टेल तो हुंदी है पूछ, ठीक है। पूछ कितने होंगी है? पिछे होंगी है, कि मूहों की फल लो तो पूछ पिछे होंगी है, पिछों शुरू करीदा हुंदा है। भी देखो सब तो पहला इतने लिखे रूट पच्ची, तो रूट पच्ची आपको पता है कि सर रूट पच्ची पांच होंगे, कि सर रूट पच्ची जोड़ा ना वह होंगे पांच, कि होंगे पांच होंगे, यानी रूट पच्ची जोड़ा गा रूट पच्ची सारे पता है कि सर रूट पच्ची जोड़ा गा रूट पच्ची अपने कोल होंगे पांच होंगे, कि होंगे पांच होंगे। हुण 11 दे विच जो 5 ऐड करांगे, 11 ते 5 किन्ने हुंदे है सर? 11 दे बाद 16 हुंदे है, लेकिन 16 दे उत्ते भी एक रूट है। देखो 16 दे उत्ते भी की एक रूट है, ते 16 दा रूट किन्ना हुंदा है सर? 16 दा रूट 4 हुंदा है, मतलब इस पूरे हिस्से दी वैल्यू जिहड़ी है वह किन्नी आजूगी? 4 आजूगी। इस पूरे हिस्से दी वैल्यू किन्नी आजूगी? 4 आजूगी। चलो ठीक है, हुण 192 दे विच प्लस करना 4, 192 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? 4 ਕਰਨਾ ਹੈ। 192 ਤੇ 4 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਰ? 192 ਤੇ 4 196 ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? 196 ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ 196 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ? 196 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 14 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ? 196 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ? 14 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 107 ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਐਡ ਕੀਤੇ ਸਰ? 107 ਤੇ 14 121 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 121 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੂਟ ਹੈ, ਤੇ 121 ਦਾ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 11 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਫ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਫ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਉਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਆਨਸਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ, ਆਨਸਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀ ਦਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀ ਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰੋ ਆਨਸਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰੋ ਆਨਸਰ ਵੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੰਬੋਜ, ਵਿਸ਼ੂ ਗੁਡਾਰਾ, ਗਗਨ ਸਿੱਧੂ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਈ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਰਾਮਵੀਰ ਕੌਰ, ਗਗਨ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, 196 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਕਿਊਬ, ਸਕੇਅਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਊਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 196 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ? 196 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ 14, ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 14। ਹੁਣ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ 14 ਸਰ? 50 ਤੇ 14 ਤਾਂ 64 ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 64 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਹੈ ਸਰ। 64 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਹੈ। ਤੇ 64 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? 64 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 8 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? 64 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 8 ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ठीक है, 8 हो गया 217 दे विच, 217 च 8 जुड़े किन्ने हुंदे है, सर 217 च 8 जुड़े 225 हुंदे है, ते उपर इहदे लिखे है स्केयर रूट, ते 225 दा स्केयर रूट किन्ना हुंदा है, ए भी आपां नूं पता है वी सर ए 15 हुंदा है, ते अपने क्वेश्चन दा राइट आंसर जिहड़ा होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अपने क्वेश्चन दा की होगा राइट आंसर, वेरी गुड। हां ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन से अज आप स्पीड जी थोड़ी इनक्रीज करांगे, क्योंकि जिवें जिवें अपने सैशन के दिन वधदे जा रहे हैं मतलब स्पीड के इनक्रीमेंट थोड़ी स्पीड भी वधदी जा रही है, तो दिख भी रही है कमेंट के जरिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 4, इदू बाद अपने को पौड़ी वाले क्वेश्चन भी आएंगे, घबराने की लोड़ नहीं, हर एक तरह का क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। वेरी गुड सुखप्रीत, लवप्रीत, वेरी गुड कोमल, ठीक है सारे बच्चे कमेंट में देख पा रहा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारी स्क्रीन के सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन एंड चार ऑप्शन सामने, चार ऑप्शन सामने है, हो सकता है भी इस क्वेश्चन दे विच तुसी स्लिप हो जाओ, स्लिप होने का मतलब तुसी उलझ जाओ भी तुहाडा आंसर आ जाए लेकिन तुहानू लगे सर ऑप्शन तो थ्याई नहीं रही, भी ऑप्शन तो थ्याई नहीं रही, ठीक है हो सकता है, ताई मैं यह क्वेश्चन ए रखे है भी हो सकता है तुम्हें लगे भी सर क्वेश्चन तो असी कर लिया, आंसर भी साडा आ गया, असी चार बार चेक भी कर लिया भी सानू लगता है आंसर सही है पर ऑप्शन दिख नहीं रही, लेकिन क्वेश्चन भी सही है ऑप्शन भी सही है, तो दसो भी आंसर की होगा, क्वेश्चन का आंसर की होगा ये कमेंट करके दसो भी सारे बच्चे। हाँ जी की आंसर होगा इस क्वेश्चन का, की आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन स्क्रीन, चार ऑप्शन सामने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी एंड लास्ट वन इज ऑप्शन डी, व्हाट इज द राइट आंसर, की होगा राइट आंसर, तो रूट वाला क्वेश्चन अपन देखने को मिल रहा है, स्केयर रूट वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यानी इन सैशन के विच कंटिन्यू तुम्हें इदा के हर एक तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो तुम्हारे एग्जाम के विच बन सकता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो तुम्हारे लिए की है जरूरी है, ठीक है। तो यह सैशन जो बच्चा कंटिन्यू लगा रहा है वह बच्चा एग्जाम के विच एक वाकई रिलैक्स फील करूगा। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4 तो बच्चे ने आंसर भी आने शुरू हो गए, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, ठीक है हाँ बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है संदीप, वेरी गुड संदीप, देखो संदीप का आंसर आएगा चंडीगढ़ी का आएगा ए ऑप्शन है, ठीक है ते ऑल जोन कर रहे 25 जबकि 25 ऑप्शन ही है नहींगा, ठीक है। विशु गुडारा कह रहे बी ऑप्शन, तो देखो जिहड़ी गल मैं कही थी वह कितने ना कितने सच विखाई दे रही है, किवें क्योंकि जिहड़ी गल मैं कही थी भी ऑप्शन दे विच हो सकता है तुसी कितने ना कितने कंफ्यूज हो जाओ तो वह तुसी हो भी रहे होंगे, लेकिन कोई चक्कर नहीं आपां हुणे देख लांगे भी इत्थे क्यों इन्ना उलझ रहा कम, क्यों इन्ना कम उलझ रहा। वेरी गुड, वेरी गुड भी, हुण आंसर आउण लग गए बी, भी ज्यादातर आंसर बी देखण नूं मिल रहा है जदों की बड़ी गमी की गल है भी बी जो मैं गलत आंसर है, ठीक है क्यों देखो भी हम देखो ध्यान देखो कारण की है, देखो आंसर पांच आ चुका है, मैंने पता भी आंसर पांच आ चुका है लेकिन पांच बच्चे ऑप्शन से दिखता ही नहीं तो बच्चा स्लिप हो जाता, बच्चा कहते सर पांच तो ऑप्शन से है नहीं, लेकिन एक बार ध्यान देखो भी रूट एक जो होंगे ना रूट एक की वैल्यू पता होनी चाहिए है भी सर एक का जो रूट होंगे ना वो एक के बराबर होंगे, एक का रूट एक के बराबर होंगे मतलब एक मात्र यही संख्या जिदा रूट वो आप ही है तो वह एक है, एक का रूट एक ही होंगे, एक का रूट एक होंगे यदा मतलब एक पांच रूट एक है तो मतलब पांच नूं एक नाल गुणा करांगे तो कितना आऊगा पांच आऊगा, मतलब कि हुण तुहाडा आंसर तुसीं आंसर कर भी लिया पर फिर भी तुसीं ऑप्शन दसण दे विच नाकामयाब रहे, उहदा कारण इह है भी तुसीं रूट एक नूं थोड़ा लाइटली लगे तुहानूं पता नहीं लगे रूट एक की है डर गई, ठीक है तो आंसर डी ऑप्शन आऊगा, जिन्ना भी बच्चा ने आंसर पांच आया है तो मतलब डी ऑप्शन, हाँ देखिया हाँ बिल्कुल सही है, बच्चे ने आंसर कर भी लिया सी लेकिन ऑप्शन पता नहीं लग रही सी केड़ी है, ठीक है चलो हम क्वेश्चन देखो किवें करांगे सर 841 का रूट कितना होंगे, 841 का रूट कितना होंगे 29 होंगे क्योंकि 29 का स्क्वायर 841 होंगे, 596 च जे आप 29 जोड़िए सर 596 दे विच जे आप 29 जोड़ते हैं तो अपने को आऊगा 625 कितना होगा, 625 कितना होगा 625 ते 625 दे उत्ते रूट है, 625 दे उत्ते की है रूट है ते 625 दा रूट किन्ना हुंदा है सर 25 हुंदा है, वेरी गुड। हुण 200 दे विच प्लस करना है 25, 200 दे विच प्लस करना है 25 सर 200 ते 25 किन्ने होगे 225 होगे, ठीक है 225 दे उत्ते फिर स्केयर रूट है सर 225 दे उत्ते फिर स्केयर रूट है ते 225 दा स्केयर रूट किन्ना हुंदा है सर 225 दा स्केयर रूट हुंदा है
15 वेरी गुड 15 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ 15 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ 15 ਸਰ 10 ਤੇ 15 25 ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ 25 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਰ 25 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 25 ਦਾ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 5 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ठीक है सत श्रीकाल अलीशा ठीक है हाँ तो ऑप्शन ही नहीं पता लग रही थी कोई चक्कर वाली गल नहीं हैगी लेकिन हुण की है अपन नूं समझ आ चुके है ठीक है हुण की है अपन नूं समझ आ चुके है चलो अगले क्वेश्चन की चलते आगे हुण पौड़ी वाला क्वेश्चन करन तो पहला एक बार मैं तुहानूं इदां दा क्वेश्चन तुसीं कर सकदे हो मैनूं पता है भी इदां दा क्वेश्चन हो सकदा है भी पहला भी तुसीं कीता होवे इह सीगा क्वेश्चन नंबर तुहाडा 2 क्वेश्चन नंबर 2 ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਕਿਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜੇ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 क्वेश्चन नंबर 2 वेरी गुड वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 2 वेरी गुड आंसर होने शुरू हो चुके हैं वेरी गुड बच्चों वेरी गुड चार आंसर कर रहे बच्चे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है मैं तुम्हें और भी एग्जांपल दूंगा काफी सारे एग्जांपल दूंगा क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ काफी सारिया एग्जांपल्स मैं तुम्हें दूंगा ताकि बच्चे का कोई डाउट ना रहे वेरी गुड बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं बच्चों वेरी गुड तो देखो जदों भी इदां दा क्वेश्चन आ जाए जदों भी इदां दा क्वेश्चन आ जाए ध्यान नाल पहला तां उहदी किस्म समझो टाइप किदां दी टाइप है क्वेश्चन दी टाइप किदां दी है सर जदों भी इदां दा क्वेश्चन आ जाए स्क्वेयर रूट दे अंदर फिर स्क्वेयर रूट फिर अंदर फिर स्क्वेयर रूट फिर प्लस फिर डैश 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 ठीक है हुण साइन आपां नूं या तां प्लस 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 दिखूगा या फिर माइनस 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 दिखूगा ध्यान नाल समझी चलियो गल ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆ ਜਾਏ ਕੀ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਸਰ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਫਿਰ ਡੈਸ਼ 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 ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਅੰਦਰ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰ ਪਲੱਸ 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 ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ 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 ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ 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 ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਸ 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 ਹੋਵੇ ਸਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਲੱਸ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 12 ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਟੁਕੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 12 ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਖਿਆ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਖਿਆ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਈਨ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਡੈਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ 12 ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 × 6 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ 12 ਨੂੰ 1 × 12 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ 12 ਨੂੰ 3 × 4 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਵਲੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 2 ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਤਰ 1 ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ 1 ਦਾ ਤਾਂ 3 ਤੇ 4 ਇਹੋ ਜਿਹੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ ਸਰ 1 ਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਮਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਟੁਕੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ 1 ਦਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ 3 ਜਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ 1 ਟੁਕੜਾ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਸਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਸਾਈਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ 3 ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 4 ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਸਾਈਨ ਸਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਿੰਨ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ
जे इत्थे प्लस दा साइन है तो इन्हां च जिहड़ी वड्डी रकम होगी वह तुहाडा की होगा आंसर होगा सर इत्थे प्लस दा साइन है तो तीन ते चार चो वड्डा किहड़ा चार है तो आंसर की होगा चार होगा ठीक है। दूजी गल जे मान लो इत्थे साइन करा हुंदा सर जिथे साइन माइनस का हुंदा जिथे माइनस का साइन हुंदा तो आप टुकड़े तो उही करने हैं तीन ते चार जिन्ना अंतर एक का होगा जे साइन माइनस है तो छोटी रकम तुहाडा की होगा आंसर होगा जे इत्थे साइन माइनस का हुंदा तो मेरा आंसर किन्ना हुंदा सर मेरा आंसर तीन हुंदा। हाँ वेरी गुड ठीक है। एक होर एग्जाम्पल दिना इसे क्वेश्चन दे विच एक होर एग्जाम्पल मैं तुहानूं देण जा रहा भी मन लो आपां नूं दित्ता सीगा स्क्वेयर रूट वड्डा सारा स्क्वेयर रूट वड्डा सारा स्क्वेयर रूट ठीक है। इत्थे लिखा सीगा 30 प्लस फिर स्क्वेयर रूट फिर 30 प्लस फिर स्क्वेयर रूट फिर 30 प्लस फिर स्क्वेयर रूट फिर इदू बाद 30 प्लस फिर कहिंदी डैश 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 ठीक है फिर की कहिंदे डैश 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 डैश। तो देखो इहदा आंसर करो भी सारे बच्चे की आंसर इस क्वेश्चन का होगा की आंसर होगा इहदा आंसर सारे बच्चे दसो भी की आंसर होगा। जिहड़ियां गल्लां मैं तुहानूं कहियां ना वह गल्लां ध्यान च रखणियां है की गल्लां भी गल्लां ये दो टुकड़े करने हैं लेकिन दो टुकड़िया की खासियत की होगी उन्हां च अंतर एक का होगा अंतर एक का होगा अंतर एक का होगा। हाँ वेरी गुड बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो ठीक है। जे साइन प्लस है तो वड्डी संख्या आंसर आऊगा जे साइन माइनस है तो छोटी संख्या आंसर आऊगा ठीक है। सिंपल जी गल है सौखी जी गल है जमा ईजी गल है ठीक है। हाँ जे प्लस का साइन है तो वड्डी संख्या आंसर आऊगा जे माइनस है तो छोटी संख्या। वेरी गुड वेरी गुड बई वेरी गुड बहुत वधिया भी बहुत वधिया बहुत वधिया। हाँ छे बिल्कुल सही आंसर है भी वेरी गुड। हाँ जी तो देखो करना की हुंदा गा हुण देखो सब तो पहला काम की है पहले तो निशानी वेखो भी बच्चा करता लैंदा क्वेश्चन नूं पता नहीं लगता स्केयर रूट वाले काफी क्वेश्चन बनते हैं बच्चा उलझ जाता है सर ये क्वेश्चन ओवें क्यों नहीं होया एवें क्यों नहीं होया। सारियां कैटेगरी एक दिन स्पैशल लियाऊंगा भी जिहदे च सारे स्केयर रूट वाले क्वेश्चन तुहाडे सामने इंट्रोड्यूस करूंगा ठीक है। हुण देखो 30 30 30 सब तो पहली गल की है सर आपां की करने हैं पहला तो असीं पछाणो क्वेश्चन की पछाण की है सर हमेशा संख्या सेम होगी जिहड़ी भी संख्या इत्थे लिखी है सेम चलूगी साइन भी सेम होगा डैश तो होनी होनी है पक्की गल है ठीक है। तुसीं की करना है संख्या के दो टुकड़े करने हैं लेकिन उन्हां दी खासियत की होवे उन्हां दे च अंतर किन्ने दा होवे एक दा जिवें कि 5 ते 6 दे च अंतर किन्ने दा एक दा। तुसीं संख्या दे इहो जे दो टुकड़े करने हैं जिन्हां दे विच अंतर जिहड़ा है वह एक दा होवे बस जदों तुसीं इह दो टुकड़े कर ले तां तुसीं साइन लिखना है भी साइन इत्थे कर सर साइन इत्थे प्लस दा साइन कर सर प्लस दा जे प्लस का साइन है तो वड्डी संख्या तुहाडा आंसर होगी यानी बिगर नंबर तुहाडा की होगी आंसर तो इन्हां चों वड्डा किहड़ा 6 है तो आंसर की होगा तुहाडा आंसर होगा 6। जे मन लो इत्थे साइन हुंदा माइनस का जे मन लो इत्थे साइन करा हुंदा सर जिस साइन इत्थे माइनस का हुंदा ना तो छोटी संख्या आंसर हुंदी ते छोटी संख्या की है सर छोटी संख्या स्मोलर नंबर अपना आंसर होगी ठीक है। फिर अपना आंसर की होगी स्मोलर नंबर तो इतने अपना आंसर फिर की हुंदा 5 हुंदा ठीक है। हाँ वेरी गुड ठीक है। चलो ये तो अपन समझ लग चुके हैं कोई भी क्वेश्चन आ जाए एक क्वेश्चन मैं स्पीड दे लिख दिना ताकि अपना कॉन्सेप्ट क्लीयर हो जाए। मान लो मैं लिखा 72 माइनस रूट 72 माइनस रूट 72 माइनस डैश 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 ठीक है। तो अपन की करना पड़ेगा सर असी दो टुकड़े करांगे 72 दे 8 नाम 72 असी 8 नाम 72 ही क्यों सोचा क्यों असी 24 30 72 नहीं बोले क्यों असी 18 24 72 नहीं बोले ठीक है क्यों असी 2 गुना 36 72 नहीं बोले असी 8 नाम 72 ही क्यों सोचा क्योंकि ये दो टुकड़े इदा दे है जिन्हां दे विच अंतर एक दा है असी इदा दे दो टुकड़े करने हैं जिन्हां दे विच अंतर किन्ने दा होगा एक दा बस जो अंतर एक दा हो गया हुण जे साइन देखना है जे माइनस दा साइन है तो छोटी संख्या आंसर होगी यानी स्मोलर नंबर अपना की होगी आंसर। हुण इत्थे साइन कर रहा है सर माइनस दा तो अपना आंसर 8 ही आ जाऊगा जे साइन हुंदा प्लस दा तो मेरा आंसर होगी वड्डी संख्या यानी फिर की होगा 9। वेरी गुड ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। चलो भी होप तो समझ आ गया होगा। हुण आपां आगे पौड़ी वाले क्वेश्चन ते काफी दिन हो गए बच्चे कह रहे थे सर पौड़ी वाले क्वेश्चन करा दो तो क्वेश्चन नंबर 5 के उत्ते आपां आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो पौड़ी वाला एक क्वेश्चन तुहानूं मैं करके दिखाउणा गा अगला क्वेश्चन तुसीं कर लियो ठीक है। एक क्वेश्चन मैं समझा दिना भी पौड़ी वाला क्वेश्चन करना किवें हुंदा है भी पौड़ी है पौड़ी चढ़ांगे तो नीचे चढ़ांगे ठीक है उपरों चढ़ नहीं सकते उपरों तो नीचे आवांगे
ठीक है, जो पौड़ी चढ़ा नीचे चढ़ा तो जो भी पौड़ी वाला क्वेश्चन आ गया जिन्हों के पास स्पेयर वाला क्वेश्चन आ गया स्पेयर वाला क्वेश्चन पौड़ी वाला क्वेश्चन तो यदि शुरुआत हमेशा नीचे होती है क्योंकि पौड़ी चढ़ना आप शुरू कितों करते हैं नीचे ही करते हैं सिंपल जी गल है हाँ क्योंकि पौड़ी चढ़ना आप शुरू कितों करते हैं हाँ ठीक है तो पौड़ी चढ़ना पर शुरू कितों करते हैं सर नीचे करते हैं नीचे शुरू करा तो देखो ये तो अपन सोल्व करना आता है भी एक प्लस एक बटा चार कि होंगे देखो चार एकम चार चार तक पांच सर ये आ गया पांच बटा चार आ गया कि आ गया पांच बटा चार कि आ गया पांच बटा चार ठीक है हुण आने वाले दिनों से यह क्वेश्चन दिमाग से करने पर दिमाग से ठीक है हुण ये पांच बटा चार आ गया मतलब सर मतलब सिंपल जी गल है भी इहदा मतलब आह सारी चीज मतलब जिवें ये सारी चीज कटदा तुहानू देखो जे मैं आ सारी चीज कटदा तो मैं इत्थे लिख सकदा पांच बटा चार तुहानू देखो क्योंकि इहदी वैल्यू किन्नी आ गई पांच बटा चार हुण आपां नूं पता होना चाहिए है भी उपर लिखिया एक बटा पांच बटा चार किसी भी संख्या एक बटा पांच बटा चार है तो यह की होंगी है जो एक डिवाइड करोगे पांच बटा चार ना उल्ट जूगी उल्ट का मतलब यह बन जूगी चार बटा पांच की बन जूगी चार बटा पांच ध्यान देखो हाँ जो भी तुम की है एक नाल डिवाइड करोगे पांच बटा चार तो वह चीज की उल्टी आती है जो मतलब मैं एक डिवाइड करूंगा दो बटा तीन नाल तो यह की बन जूगी सर तीन उपर बन जूगा तीन कितने बन जूगा उपर यह बन जूगी तीन बटा दो हमेशा याद रखना है जो एक नाल कोई भी फ्रैक्शन डिवाइड करोगे दो बटा सत्त करोगे तो यह बन जूगी सत्त बटा दो एक कंसैप्ट अपन क्लीयर होना चाहिए ठीक है एक कंसैप्ट क्लीयर होना चाहिए हूँ जो एक बटा पांच बटा चार करोगे एक घूम जूगा घूमन का मतलब ए घूम जूगा यह बन जूगा चार बटा पांच मतलब इतने बन जूगा तीन प्लस चार बटा पांच तो यह अपन सोल्व करना है पैंती पंद्रह पंद्रह से चार उन्नी सर यह हो गया उन्नी बटा पांच कि हो गया उन्नी बटा पांच कि हो गया उन्नी बटा पांच मतलब आ पूरा हिस्सा जोड़ा है इतों तो लैके इतने तक यह पूरा हिस्सा अपने सामने आ चुके है उन्नी बटा पांच ठीक है इन्नी गल देखो क्लीयर हो रही है वेरी गुड ठीक है इन्नी गल अपन क्लीयर होनी चाहिए है ठीक है इन्नी गल अपन क्लीयर होनी चाहिए है उन्नी बटा पांच आ गया सर फिर एक आ गया एक तो पूरा अपना हक जमाई आता है भी हम तुम यही स्टैप दिमाग च करो भी अपने को दो प्लस आ एक बटा उन्नी बटा पांच है आप ही देखो एक बटा यह उन्नी बटा पांच है यह घूम जूगा जो घूमूगा यह पांच बटा उन्नी बन जूगा सर यह बन जूगा पांच बटा उन्नी वेरी गुड हूँ आ सोल्व करना उन्नी दून अठत्ती अठत्ती पांच कितने होंगे तरताली सर यह बन गया तरताली बटा उन्नी तरतालीस बटा उन्नीस क्या बन गया तरताली बटा उन्नी ठीक है हम तरताली बटा उन्नी जो बन गया मतलब आह पूरा हिस्सा एक पूरा हिस्सा अपने कोल एक पूरा हिस्सा अपने कोल तरताली बटा उन्नी बन चुके है एक पूरा हिस्सा अपने कोल तरताली बटा उन्नी बन चुके है उपर फेरे का पे है सर एक उपर एक है नीचे है तरताली बटा उन्नीस फिर अपन फिर पता है भी एक घूम जूगा एक घूमूगा की बन जूगा उन्नी बटा तरताली उन्नी बटा तरताली तो अपना आंसर क्या होगा सर अपना आंसर आऊगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी वेरी गुड हाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है हुण तुसीं कहोगे सर इन्ना टाइम लावांगे नहीं अपने कोल दिमाग ना दी चीज हैगी है उहनूं आपां वरतों दे विच लियावांगे भी आपां कल्ला कल्ला स्टैप लिखना होंदी है भी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं करनी कोई कुछ नहीं करना क्योंकि शॉर्ट ट्रिक एक अद्धे क्वेश्चन ते लगदी है उहदे नाल बच्चे नूं खुश किया जा सकता है लेकिन पेपर दे विच फिर उही गल भी बच्चा मत्थे ते हाथी मारी जांदा है ठीक है वह काम आप नहीं करना क्योंकि शॉर्टकट जिहड़ा होंदा ना बच्चा हमेशा करता शॉर्टकट शॉर्टकट हरेक चीज का शॉर्टकट नहीं होंदा पहली गल ठीक है तो जे तुहानूं कोई हरेक चीज का शॉर्टकट दसदा है तो वह चीज एग्जाम च पक्का नहीं आऊगी ठीक है एक गल भी ध्यान रखनी है हुण अपनी कैलकुलेशन की स्पीड इन्नी क ज्यादा इनक्रीज कर लो भी तुहानूं शॉर्टकट की लोड़ ही ना पवे कारण देखो क्योंकि जदों तक तुसीं एग्जाम च इस सोचण ते टाइम वेस्ट करोगे भी इस क्वेश्चन ते किहड़ा शॉर्टकट लगेगा उन्ने नूं एक बच्चा इंटैलीजेंट जिहदी कैलकुलेशन स्पीड ज्यादा है वह क्वेश्चन करके अगे निकल जूगा ठीक है तो तुसीं शॉर्टकट ते ध्यान नहीं देना तुसीं कैलकुलेशन स्पीड वधाओ हुण आही कम जे स्पीड नाल करना होवे किवें सर देखो मैनूं पता क्वेश्चन नीचे फड़ना चार एकम चार पांच बटा चार चार बटा पांच पांच ते पन्ना उन्नी बटा चार ठीक है इदां करके सिर घुमाओ
क्वेश्चन जिनी स्पीड बनाओगे क्वेश्चन आप करना है जिहो जी आदत पाओगे उहोजी तुहाडी कैलकुलेशन स्पीड बन जूगी। ठीक है हुण इसे क्वेश्चन देखो चार एकम चार पांच वटा चार पांच वटा चार घूमिया चार वटा पांच पांच नीचे है। ठीक है पैंती पंद्रह पंद्रह चार उन्नी उन्नी बटा पांच हुण पांच वटा उन्नी बन जूगा जो पांच वटा उन्नी बन गया उन्नी दूना अड़ताली उन्नी दूना अठत्ती अठत्ती पांच तरताली तरताली बटा उन्नी एक घूम गया उन्नी बटा तरताली तो आंसर की आ गया डी ऑप्शन आ गया की आ गया ऑप्शन नंबर डी आ गया। अगला क्वेश्चन पौड़ी वाला क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन फिर तुहाडे सामने पौड़ी वाला क्वेश्चन आ चुका है तो यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स तुहाडे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर सिक्स तुहाडे सामने आ चुका है पौड़ी वाला क्वेश्चन पौड़ी वाला क्वेश्चन तो क्वेश्चन देखो आह तो बाद करांगे काम आ काम तो जमा एंड ते होगा पहले तो नीचे वाले हिस्से शुरू करो इतों शुरू करो फिर इतों शुरू कर लिया इतों शुरू करो सारे बच्चे कहना ठीक है हाँ इतों शुरू करो सारे बच्चे क्वेश्चन शुरू करना नीचो पौड़ी चढ़नी स्टार्ट कर दिया नीचो तो नीचे स्टार्ट करांगे क्वेश्चन स्टार्ट अपन नीचे ही करना गा ध्यान रखना सब तो पहला आंसर लिखते कि आता गा क्वेश्चन नंबर छी राजू राजू का आंसर आ चुके हैं वेरी गुड भी वेरी गुड राजू का आंसर आ चुका है। ठीक है चलो बाकी बच्चे भी करो आंसर बाकी बच्चे भी करो आंसर भी वेरी गुड बहुत वधिया भी बहुत वधिया वेरी गुड अलीशा राजू आरशी आरशी वेरी गुड। ठीक है करो बाकी भी आंसर चंडीगढ़िया सी ओके ओके ठीक है सानिया गुप्ता ए हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड करो बाकी बच्चे भी आंसर वेरी गुड खिंच के रखो काम क्या इकबाल सिंह वेरी गुड इकबाल सिंह। ठीक है वो बच्चे है सारे जो रेगुलर तुसी अटेंड कर रहे हो ता ही तेन समझ आने लग गया चीजा। ठीक है हाँ वेरी गुड भी सुमन कंबोज अमनदीप कौर नीरू देवी। ठीक है हाँ तो देखो क्वेश्चन हमेशा नीचों स्टार्ट करना गा नीचों स्टार्ट करने का मतलब जमा नीचो पौड़ी चढ़नी है तो नीचे चढ़ांगे लो भी चार दूनी अठ अठ तक नौ सर यह हो गया नौ बटा चार हुण आ स्टेप दिमाग दे विच हो जाए सर यह नौ बटा चार है एक घूमूगा तो चार बटा नौ बन जूगा सर यानी कि तीन दे विच आपां चार बटा नौ जोड़ना है लो भी नौ ती सताई सताई ते चार किन्ने हो गए इकती सर यह बन गया इकती बटा नौ कि बन गया इकती बटा नौ मतलब इन्ने इन्ने हिस्से की वैल्यू आ चुकी है इकती बटा नौ कि आ चुकी है इकती बटा नौ इन्ने इन्ने हिस्से की वैल्यू इकती बटा नौ आ गई हूँ फिर हुई गल सर एक बटा इकती बटा नौ है तो फिर घूमूगा यह बन जूगा नौ बटा इकती इतने एक भी लिखा है एक प्लस नौ बटा इकती हूँ आ भी पता अपन सर इकती एकम इकती इकती दे नौ चाली सर यह हो गया चाली बटा इकती कि हो गया चाली बटा इकती चाली बटा इकती हो गया यह चाली बटा इकती कि वैल्यू आ गई सर यह चाली बटा इकती ना इथों लैके इतने तक की वैल्यू है चाली बटा इकती कि वैल्यू चाली बटा इकती इन्नी इन्नी वैल्यू चाली बटा इकती है। हुण तुसीं आप ही देखो भी सर क्वेश्चन दे विच देखो इतने लिखा चार माइनस इतने लिखा पांच बटा तो इन्ने इन्ने हिस्से की वैल्यू आ गई चाली बटा इकती इन्नी चीज देखो पहला भी आह चीज अपन समझ आ रही है। ठीक है हुण अपन पता है सर एक मजूगा ठीक है अपन की पता है सर एक मजूगा जो घूमूगा इकती उपर गुणा हो जाता है बस आ नीचे जिहड़ी चीज जमा नीचे होंगी है ना वो एक दिन उत्ते जांदी हुंदी है। ठीक है उत्ते तां इकती उपर जे घूमूगा तां इकती पंज नाल गुणा हो जूगा इकती पंज नाल गुणा असल च जदों इत्थे एक हुंदा है तां इकती एक नाल गुणा हो जांदा है इह इकती पंज नाल गुणा हो जूगा इकती पंजे किन्ना हुंदा है 155 हुंदा है यानी कि इह जदों इकती उपर जाऊगा इकती उपर जाके पंज नाल गुणा होऊगा तां इह किन्ना बन जूगा सर इह बन जूगा 155। ठीक है हुण उही गल फिर बन गई सर आ तां आपां कदों दी सॉल्व करदे आ रहे हां वी असीं करना हुंदा है क्रॉस मल्टीप्लाई 40 चौका किन्ना हुंदा है 160 हुंदा है 160 चो 155 कढावांगे तां बचूगा 5 ते नीचे की लिखया है नीचे लिखया 40 5 एकम 5 पंचो अठे 40 1 बटा 8 आंसर किन्ना होगा 1 बटा 8 होगा। ठीक है ऑप्शन नंबर ए अपना की होगा राइट आंसर तो तुहाडी अज वो इच्छा पूरी होगी भी पौड़ी वाले क्वेश्चन जो कहते होंगे भी पौड़ी चढ़ाओ तो चढ़ गई पौड़ी अज आपां। ठीक है हाँ चार अर्क भी चार चार भी आपां माइनस करता देखो चार भी आपां माइनस किया है चार आपां माइनस कर चुके हैं चार दे चो माइनस किया है सारा हिस्सा। ठीक है ता जाके आंसर अपने को कितना आएगा 1 बटा 8 आएगा वेरी गुड वेरी गुड।
अगले क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। लो भी तो अगला क्वेश्चन बार वाला क्वेश्चन आ गया। बार देखो क्वेश्चन करने का तरीका की होंगे भी तुम कुछ नहीं करना गा तुम कुछ नहीं करना गा क्वेश्चन सिर्फ मीनिंग देखो नहीं करना है। मैं अगे ही दस्या सी भी बार का मीनिंग की होंगे सर बार का मतलब की होंगे रैपीटिशन रैपीटिशन का मतलब कोई चीज अपने आप ना दोहरा रही है दोहराने का मतलब रिपीट कर रही है। तो बार का मीनिंग की होंगे रैपीटिशन की होंगे रैपीटिशन की होंगे रैपीटिशन रिपीट करना बार का मीनिंग होंगे रिपीट करना बार का मीनिंग की होंगे सर बार का मीनिंग होंगे रिपीट करना ठीक है। हाँ तो देखो इदा के क्वेश्चन किमें करना है पहला तो देखो 3.36 के उत्ते बार है पहला तो मैं जोड़न वाला काम कर दाँगा भी 3.36 से 1.13 का काम खत्म कर लीए पहला 3.36 से 1.13 का काम खत्म अपना कर ली ठीक है। हुण आपां नूं पता है भी 3.36 उत्ते बार है ते 36 उत्ते बार का मीनिंग की होंगे भी 36 अपने आप नूं बार बार की कर रहा है रिपीट कर रहा है। इनू तीन बार लिख लिया करो इनू सिर्फ तीन बार या चार बार लिख लिया करो इदू ज्यादा लिखने की लोड़ नहीं भी कापी मतलब कापी भर जे ठीक है जो दूसरा मतलब कि बेंच से लिखी जाने या अपनी बैड की शीट से लिखी जाने ठीक है। 3.36 फिर 1.13 के उत्ते बार का मतलब 13 अपने आप बार बार की कर रहा है रिपीट कर रहा है। पहला इन्हों जोड़न वाला काम कर लें सर जे आप जोड़ा जे आप इन्हों जोड़ा तो जो जोड़ा तो अभी आप देखो 6-3 किन्ने हो गए 9 3-3 किन्ने हो गए 4 6-3 9 3-3 4 6-3 9 3-3 4 3-3 4 यानी सर ये अपने को आया 4.49 तो इतने हैगी है डैश 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 ठीक है। हाँ इतने हैगी डैश 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 हुण इहदे विचों आपां माइनस करना है इहचों माइनस की करना है सर माइनस करना है 2.05 दे उत्ते बार चलो ठीक है। फिर आपां माइनस भी कर दिंदे आ माइनस भी कर दिंदे आ ध्यान नाल देखो ठीक है। फिर आपां माइनस भी कर दिंदे आ मैं इत्थे कर दिंदा गा वी 4.49 तीन एक बार लिख लिया करो इस माइनस करना है 1.2.05 भी 2 माइनस करना है 0.05 बार बार रिपीट करूंगा। लो भी हुण करना है माइनस तो माइनस करना अपना आता गा कि करते होंगे 9-5 गए 4 4-0 गए 4 9-5 गए 4 4-0 गए 4 9-5 गए 4 4-0 गए 4 4-2 गए 2 तो 2.4444 हुण देखो बच्चे दे माइंड च की होंगे सर इनू असी इदा भी देख सकते हैं कि सर ये सानू ए भी लगता है भी 2.4 दे उत्ते बार है ते अंदर देखो किसी बच्चे नू ए भी लग सकता है भी सर 4 आपदे आप नू बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैं क्या ठीक है भी तुहाडा आंसर ए भी हो सकता सीगा लेकिन आपां इनू इदां भी देख सकते हैं भी 2.44 दे उत्ते बार भी 44 आपदे आप नू बार बार की कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं। हुण कन्फर्मेशन कित्थों मिलेगी ऑप्शन तो भी ऑप्शन दे विच इही ऑप्शन तो है ही नहीं भी 2.4 दे उत्ते बार ऑप्शन आपां नू आहा मिलदी है 2.44 दे उत्ते बार तो आंसर की आऊगा बी ऑप्शन ठीक है। आंसर की आऊगा बी ऑप्शन आऊगा तो आंसर अपना होगा बी ऑप्शन वो ऑप्शन तो अपन कन्फर्मेशन मिलेगी। हुण आ क्वेश्चन भी आह क्वेश्चन भी इन्ना कि ज्यादा इंपोर्टेंट है तो देखो भी क्वेश्चन करना किवें है क्योंकि क्वेश्चन कर हरेक लगेगा लेकिन तरीका केड़ा वधिया रहेगा वह चीज मैटर करती है भी तरीका केड़ा वधिया रहेगा ठीक है। तरीका केड़ा वधिया रहेगा वह चीज मैटर करती है इत्थे तो इस क्वेश्चन का की आंसर होगा इस क्वेश्चन का की आंसर होगा हाँ गगन इदा नहीं होंगे दोवें नहीं दिता वो एग्जामिनर पता होंगे गा भी बच्चा कंफ्यूज होगा सिर्फ एक ऑप्शन देगा इको ऑप्शन सिर्फ एक ऑप्शन देगा ठीक है। हाँ चलो भी इस क्वेश्चन का की आंसर होगा नैक्सट क्वेश्चन तेरे सामने आ चुके हैं साते 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 दिख रहे हैं 1/5 2/5 3/5 4/5 की आंसर होगा ठीक है। तो आप इन्हों देखा भी किमें सौखे तरीके कर सकते हैं ठीक है किमें अपना इनू सौखे तरीके कर सकते हाँ किमें अपना इनू सौखे तरीके कर सकते हैं ठीक है किमें अपना इनू सौखे तरीके कर सकते हैं भी
हाँ वेरी गुड, आंसर भी आना शुरू हो गया। वेरी गुड भाई, जितने बच्चे ए ऑप्शन आंसर कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर भाई। हाँ वेरी गुड, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। हाँ ए ऑप्शन की बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ सारे बच्चे लाइक पे शेयर कर दीजिए लगन नाल, ठीक है, ताकि बाकी बच्चे भी जो सेशन एंजॉय कर सकन, ठीक है, बाकी बच्चे भी सेशन एडवांटेज ले सकन। वेरी गुड भी, बिल्कुल ठीक है सर भी। हाँ तो देखो करना कि हम जे इदा क्वेश्चन आ जाए तो की करी रहा हूं, देखो सब तो पहला ए क्वेश्चन किसी ने ए नहीं करना भी गुणा करती एक जोड़ता गुणा करती या जोड़ता आ काम नहीं करना, बहुत टाइम लग जूगा। तुसी सीधा करना है सर आ लिखिया 777, आवे की लिखिया 770, आवे की लिखिया 770, आवे की लिखिया 777। मैं क्या 777 नु जोड़ना है, देखो हर एक पासे जोड़ है, हर एक पासे की है जोड़ है, सर 777 नु जोड़ना है। मैं क्या कितनी बार, एक बार दो बार तीन बार चार बार, मतलब 777 नु चार बार जोड़ने का मतलब की है, 777 नु चार बार की करना है गुणा करना है, सिंपल जी गल है भी 777 नु चार बार जोड़न का मतलब की है, 777 नु चार नाल गुणा करना है। उदो बाद देखो पहले तो गुणा कर लो, जो गुणा करांगे 700 दा चार गुणा होंदा 2800, 70 दा चार गुणा 280 हो गया, 2800 ते 280 किन्ने हो गए 3080 हो गए, अगे 7 चौका 28, 3080 ते 28 किन्ने हो गए सर 3080 ते 28 हो गए 3108, किन्ने हो गए 3108 हो गए, किन्ने हो गए 3108 हो गए, ठीक है। इदू बाद जिहड़े फ्रैक्शंस है इन्हां नूं अलग तो जोड़िया करो, इन्हां नूं अलग तो जोड़िया करो, जिहड़े फ्रैक्शंस है जिवें कि 1/5 है, जिवें कि 2/5 है, जिवें कि 3/5 है, जिवें कि 4/5 है, ते मैं तुहानूं फ्रैक्शन नूं जोड़ना भी दस चुके हां सर, जदों भी फ्रैक्शन दे डिनोमिनेटर सेम हुंदे है, डिनोमिनेटर मतलब हर जदों भी हर सेम हुंदे है ता नीचे ता पांच ही रहूगा, उपर सीधा जुड़ जूगा, एक ते दो तीन, तीन ते तीन छे, छे ते चार दस। हुण जे पांच दे पांच ते कट्टांगे दो वर गया, मतलब की फ्रैक्शन नूं जोड़न तो बाद किन्ना आया दो आया, मतलब 3108 ते दो जुड़ूगा तो 3108 ते दो किन्ने हो गए 3110 हो गए, तो आंसर की आऊगा ए ऑप्शन, ठीक है। हाँ आंसर की आऊगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ बिल्कुल सही है, आंसर की आऊगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने बच्चे ने ए ऑप्शन आंसर किया सीगा वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत वधिया भी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, ला उदू पहला अपन पता होना चाहिए है भी उड़ान इंस्टीट्यूट की जी अपनी सैकेंड ब्रांच जी है वह अपनी मानसा के भी तेन पता है वह खुल चुकी है, ठीक है। तो मतलब सब तो वड्डा बेनीफिट यही है क्योंकि अपन पता भी मानसा वाली साइड से काफ़ी बच्चे जोड़े है वह वांझे रह जाते कोचिंग तो, लेकिन अपने पंजाब का सब तो बेस्ट इंस्टीट्यूट उड़ान इंस्टीट्यूट जी ब्रांच हम की है उत्थे खुल चुकी है, मतलब बच्चे को दिक्कत नहीं आऊगी भी, बच्चा कहता भी सू दिक्कत आती है ट्रैवलिंग करने भी हूँ अपने इतने आना पेगा ट्रैवल करके, मतलब 1.5-2 घंटे वेस्ट, ठीक है, भी डबल हो जाते आने जाने लागे 4 घंटे हो गए, ठीक है। तो वह वेस्टेज देखते हुए अपनी एक नवी ब्रांच जी है वह मानसिक देश के खुल चुकी है, तो 9 जनवरी 2023 तो अपना नवा बैच स्टार्ट हो जा रहा है, जिस की है पंजाब पुलिस पटवारी P++B कानूनगो एंड ऑल पंजाब स्टेट एग्जाम जे कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो यही जानकारी तेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि यही दिक्कत बच्चों को आदि हैं, क्योंकि असं आप सुनते हैं भी जो बच्चा इतने आता है अगले लगता है भी सर ब्रांच नेड़े होनी चाहिए साढ़े उत्थे नेड़े पवे, ठीक है। तो उसके लिए सब तो बेनीफिट वाली चीज़ है तो अपना नवा बैच 9 जनवरी 2023 तो जो स्टार्ट हो चुके हैं, जिसे 3 डे अपना फ्री डेमो क्लास होगी, 3 दिन की अपनी फ्री डेमो क्लास जी है वह भी तुम्हें दी जाऊगी। तो जो कोई भी जानकारी तुम्हें प्राप्त करनी होती तो इन्ह नंबर के उत्ते कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने कॉन्टैक्ट करके अपनी कोई भी जानकारी जी वो ले सकते हो। हाँ बिल्कुल मनप्रीत, हाँ ताड़ी शहर च, हाँ वेरी गुड, ठीक है। हाँ चलो भी उदू बाद इंग्लिश का अपना स्पैशल कोर्स जरा वह भी लॉन्च हो चुका है, जिद ऑल पंजाब स्टेट एग्जाम कोई भी एग्जाम हो अपना कवर कर सकते हो, कोई भी पंजाब का कोई भी एग्जाम, तो अमाउंट देखोगे तो सिर्फ 1200, ठीक है। ये सिर्फ 1200 क्यों है, क्योंकि एक टीचर जो पढ़ाता तो पूरा जोर लग जाता है, ठीक है। हो सकता है भी अपन लगता भी 1200 भी ज्यादा है, लेकिन तुसी एक बार सोचो पॉइंट ऑफ व्यू तो भी जो अपन बोलना पैंता है वह भी कंटेंट भी देना है, ठीक है, उस तुम टीच भी करना है, वीडियो लैक्चर भी मिलने हैं, तो सब तो रीजनेबल अमाउंट के बेस्ट कोर्स है भी। जो बच्चा कहता है सर सू इंग्लिश बहुत दिक्कत आती है भी मैं कहना एक बार
एक बार एक कोर्स ज्वाइन करके देखो भी। मैं कहना इंग्लिश कदे भी दिक्कत नहीं आऊगी, भी सिर्फ 1200 रुपए का, सिर्फ 1200 रुपए का कोर्स है, कोई बाली वड्डी अमाउंट नहीं हैगी, ठीक है। तो यही कोर्स तुहाडी जिंदगी का बेस्ट कोर्स रहेगा, यह गरंटी है मेरी, ठीक है। तो सब तो वधिया तरीके नाल तुहानू पता है मैडम कितना वधिया टीच करते हैं इंग्लिश दे विच भी, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है वैसे तो। तो इंग्लिश में तुसीं कहोगे भी सर इंग्लिश का डर जिहड़ा ना डर दूर हो गया, ठीक है, चलो भी तो ये भी जरूर ज्वाइन करना गा, ठीक है। लो भी तो अगला क्वेश्चन जिहड़ा गा मैं तुहानू दसदा गा, हुण तुसीं की करो भी, पहला तो मैं तुहाडे होमवर्क दे क्वेश्चन दो क्वेश्चन मैं तुहानू होमवर्क च देने है, तो कल दे होमवर्क दे क्वेश्चन मैं एक बार देख लैना जिहड़े मैं कल तुहानू होमवर्क दित्ते सी, क्योंकि ये भी डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि बच्चा कहिंदा सर असीं क्वेश्चन किया पर सानूं समझ नहीं आया, भी समझी किवें, तो हुण होमवर्क नूं भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। हाँ साडे घर दे बिल्कुल नियर, बिल्कुल भी लग गई ना मौज हरियाणा जी खोल देंगे टेंशन लो, ठीक है, सारे पैसे खोल देंगे हरियाणा, तो देखी चलिए बस। हाँ लो भी तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 मैं कल तीन क्वेश्चन होमवर्क दिते सी, तो फटाफट आप उन्होंने क्वेश्चन तक निगाह मार लें। तो देखो बोर्ड मार्क्स सब तो पहले ब्रैकेट, अज के क्वेश्चन काफी डिफरेंट है बाकी सैशन नालों, लेकिन यही क्वेश्चन भी एग्जाम इंपोर्टेंट है, ठीक है। हुण इह क्वेश्चन मैं होमवर्क दिता सी सर, सब तो पहले ब्रैकेट देखांगे, जो मैं ब्रैकेट लिखी तो देखो 5 + 20 = 23 सर, यह तो 30/5 है, 30/5 है, मैं लिख लिया 30/5 है, चलो ठीक है। 5 × 35 = 37 सर, यह तो 37/5 है, मैं क्या बिल्कुल 37/5 है, 42 साइन का है प्लस है। हुण बच्चे बच्चे को पता है भी जो नीचे आला हिस्सा सेम होंगे तो नीचे तो 5 ही आऊगा, ठीक है, उपर 23 + 37 सर, 37 + 23 किन्ने होंगे है, मैं क्या 60 होंगे, किन्ने होंगे 60, तो 5 + 60 नूं कट्टिया 12 बार, इहदा मतलब इस ब्रैकेट की वैल्यू किन्नी आ गई 12 आ गई, वेरी गुड, चलो ठीक है। हुण इत्थे आ जांदे आ, जदों इत्थे आ गई, जदों इत्थे आ गई तो देखो 6 × 7 = 42 ते किन्नी होगी 43/6, यह तो हो गया 43/6, 3 × 6 = 7 सर, यह हो गया 7/3, 42 साइन कर माइनस द। हुण एक दिमाग तुसीं इत्थे ला सकदे हो सर, जे इत्थे ना जे इत्थे हर मेरा सेम हुंदा मेरी गल बन जांदी, ठीक है, ध्यान रखणो मेरी गल, मैं की कहा जे मेरा इत्थे हर सेम हुंदा मतलब डिनोमिनेटर सेम हुंदा मतलब नीचे वाला हिस्सा सेम हुंदा मेरी गल बन जांदी, तां इत्थे 6 तां इत्थे मैं 6 बना सकदा सर, मैं ना 2 नाल गुणा करती, मैं क्या कर दी, वेरी गुड, उहदे नाल की फायदा होगा, उहदे नाल फायदा यह होगा भी सर देखो इत्थे भी 6 हो गया, इत्थे भी 6 हो गया, मतलब पक्की गल है मेरे आंसर च 6 तां आऊगा ही आऊगा, उपर 43 - 14, 43 + 14 माइनस कितने सर, 43 दे विचों 14 माइनस कितने भी, 43 + 14 माइनस करने हैं तो 42 + 14 माइनस कर दो, कितना हो गया 29 हो गई, किन्ने हो गए 29 हो गए, 29/6 किन्ना आ गया 29/6, यानी कि इस ब्रैकेट की जिहड़ी वैल्यू है इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 29/6, 29/6 जो ब्रैकेट की वैल्यू आ गई, तो बचे कुछ नहीं क्वेश्चन के विच, मैं कहना बचा ही कुछ नहीं, क्यों भाई देखो हुण क्वेश्चन की बनाया 13 + 97 = 4 किन्ने हो गए 95/13, मैं क्वेश्चन लिख के दिखाना डिवाइड 5/26 ऑफ उदू बाद लिखे 12 ऑफ तो बाद की 12 प्लस फिर 29/6 है। हुण तुसीं आप ही दसो भी ब्रैकेट सोल्व हो चुकी है तो ब्रैकेट तो बाद वारी कि आती है ऑफ की, देखो ध्यान नाल, ठीक है, तो वारी कद आती है भी वारी आती है ऑफ की, तो ऑफ सोल्व करना है सर, ऑफ का मतलब की होंगे गुणा होंगे, लो भी गुणा करा 12 × 5 = 60 नीचे 26 है तो यह 60/26 हो गया, बिल्कुल 60/26 हो गया, 60/26 कट भी सकते हो 2 × 30 बार 2 × 13 बार सर, यानी कि यह तो 30/13 आ गया, मैं क्या बिल्कुल यह तो 30/13 आ गया, 30/13 सर यह आ गया 30/13, लो भी 30/13 इतने की लिखे 95/13 इतने लिखे भाग इतने लिखे प्लस 29/6। हम तुसी देखो भी दो साइन दिख रहे हैं, एक डिवाइड है कि प्लस है, यह पहला की होगा डिवाइड होगा, तो मैं तुम्हें पहला भी दसा है भी डिवाइड के चिन्ह नूं गुणा च बदलिया जा सकता है डिवाइड तो बाद आने वाली रकम नूं उल्टा के, यानी यह होजूगा 13/30, 13 × 13 वध्या गया 95/30, तो 95/30 है, यह है 95/30। हुण इत्थे की लिखे है सर, इत्थे लिखे 29/6, 29/6 मेरे दिमाग च फिर उही गल आ गई सर, जे मेरा हर बराबर हुंदा ना, जे मेरा हर बराबर हुंदा, जे मेरा डिनोमिनेटर बराबर हुंदा, मतलब इहनूं मैं बराबर कर ही लैंदा ना, इत्थे भी 5 नाल गुणा कर लैंदे आ, इत्थे भी कर लैंदे आ, जदों हर बराबर हो गया तां मतलब इत्थे भी की आऊगा 30 तां आऊगा ही आऊगा, ठीक है।
हाँ इतने तो 30 आऊगा ही आऊगा, तो देखो 29 बंदे कितना होंगे 145, 145 के 95 जोड़ने हैं, 145 के 5 कितने हो गए 150, 150 के 90 कितने हो गए 240, तो 240 को 3 से डिवाइड करोगे 30 8 240 होंगे, तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो मैं होमवर्क दिता सीगा, तो ये क्वेश्चन तुम क्यों मर्जी कर सकते हो सर, देखो चाहे क्वेश्चन उपरों देखो चाहे नीचे, गल तो एक ही है भी मैं तो पहला नीचे, उपर तो बेचारा है ही नहीं कुछ, उपर की सोल्व करूंगा भी, तीन कट के तीन तो लिख नहीं सकता भी, मैं क्या पहले उपरों सोल्व करा नीचे करा, है ना, एक काम तो करना नहीं भी उपरों कट के तीन ही लिखी जाना, वो तीन हैगी बेचारे दिखी जाता है, तो नीचे लिखूंगा, नीचे लिखा ऑफ, सर पहला ऑफ आ गया ऑफ, मैं क्या 2/3 ऑफ, यह मतलब 4 × 4 से कितना 5/4, ऑफ का मतलब की होंगे गुना होंगे, गुना कर देंगे लो भी 2 × 4 सर यह बन गया 5/6, कि बन गया 5/6 बन गया, हम 5/6 को भाग करोगे 5/6 नाल, इतना बुद्धू बंदा भी दस दूगा भी सेम संख्या नू, सेम नाल डिवाइड करोगे तो 1 आऊगा, भी 5/6 को भाग करोगे 5/6 नाल तो 1 ही आऊगा ना, सेम संख्या नू, सेम नाल डिवाइड करन दा मतलब 1 आना, हुण की बचा की है 2/3 गुना उपर 3 नीचे 1, 3 नाल 3 कटता आंसर आ गया 2, आंसर आऊगा ऑप्शन ए, ठीक है वेरी गुड। होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन जो मैं दिता से कल भी देख लें सर, ये की सब तो पहला ब्रैकेट, ब्रैकेट की स्टार्टिंग, ब्रैकेट की एंडिंग, ब्रैकेट के अंदर आ गए, जो ब्रैकेट के अंदर आ गए एक होर ब्रैकेट मिल गई, एक होर ब्रैकेट नाल एक होर ब्रैकेट मिल गई फ्री, ठीक है, तो इतने लिखे 5/3 के किन्ने होंगे सर 2 होंगे है, ठीक है 2 होंगे, ठीक है भी जो आह ब्रैकेट खत्म होगी तो आप आ गए इस ब्रैकेट च, इस ब्रैकेट का मतलब मैं दिखा देना आह ब्रैकेट, सिर्फ आह ब्रैकेट अगली ब्रैकेट च आ गए, जो इस ब्रैकेट च आ गए ध्यान लिखो, जो भी ब्रैकेट के बाहर इतने कोई साइन नहीं होंगे गुणा साइन होंगे हमेशा याद रखना है, जो इतने ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन ना हो तो गुणा साइन होंगे, ठीक है हुण की बनया सर अपने को बचा 2 माइनस, तो पहला इतने देखो आ 2 आ चुके हैं, ये अपने को 2 आ गया, 2 × 2 कितना होंगे 4 होंगे, कितना होंगे 4 होंगे, तो इतने की लिखे प्लस का 5 लिखे लो भी, आ तक मर्जी कर लो 5 × 3 = 7, 7 × 4 = 3, यानी कि अपने को इन्नी 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 ब्रैकेट की वैल्यू कि आ गई 3 आ गई, कि आ गई 3 आ गई, ध्यान देखो इन्नी ब्रैकेट की वैल्यू कि आ गई सर 3 आ गई, ठीक है हम आ करन तो बाद असी आ गए इस ब्रैकेट च, ठीक है हम बस भुल जाओ सारा कुछ सर, अपने को सीधी जी गल है भी इन्नी 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 ब्रैकेट की कितनी आ गई 3 आ गई, चलो ठीक है 3 आ गई, तो हम आप इस ब्रैकेट च आ गए, इस ब्रैकेट लिखे 2 + 3, तो आ ब्रैकेट की 3 आ गई, माइनस इतने है 10, ठीक है हम आ 3 ती कि होंगे 9 होंगे, कि होंगे 9 होंगे, इतने माइनस 10 है, 2 × 3 = 11, 11 × 10 गए कितने हो गए 1 हो गए, यानी कि पूरी क्लोज ब्रैकेट की वैल्यू, पूरी क्लोज ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई सर, पूरी क्लोज ब्रैकेट की जी वैल्यू है ना वह 1 आ गई, कितनी आ गई 1 आ गई, ध्यान देखो पूरी क्लोज ब्रैकेट की वैल्यू, इस पूरी क्लोज ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, चलो ठीक है हम क्वेश्चन की बनया 25 - 5 इस ब्रैकेट की वैल्यू 1 है, उत्थे की लिखे डिवाइडेड बाय 4, हुण आपां नूं पता है भी सर 25 ये हो गया 5 भाग करना है 4 नाल, हुण माइनस ते भाग दे विच्चों माइनस ते डिवाइड चों पहला की होगा डिवाइड होगा, ते 5 नूं 4 नाल डिवाइड करन दा मतलब की होंदा 1.25, ते 25 दे विच्चों जदों तुसीं माइनस करोगे 1.25 सर 25 चों 1 गया 24, 24 चों 0.25 गए 23.75, तो अपना आंसर आऊगा 23.75, आंसर क्या होगा 23.75 सी ऑप्शन, वेरी गुड सी ऑप्शन अपना की होगा राइट आंसर होगा, हाँ सी ऑप्शन अपना की होगा राइट आंसर होगा, वेरी गुड सी ऑप्शन अपना की होगा राइट आंसर, हुण जिहड़ा होमवर्क तुसी कल तक क्लास लगनी नहीं सीधी मंडे लगूगी, ठीक है कल यूट्यूब पे क्लास तो है ही नहीं अपनी, ठीक है तो हम से की है तो देखो मंडे के वास्ते 2 क्वेश्चन है जो होमवर्क तुम करने है, एक तो क्वेश्चन अगला है, ठीक है ये भी तुम की होमवर्क जो नोट कर लो, ये तो होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट सारे ले लिया करो ताकि तुम होमवर्क क्वेश्चन करके देख सको, ठीक है ताकि क्वेश्चन की है होमवर्क करके देख सको, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, अगे अगला क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन का भी सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन का भी सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर तुम्हें मैं डिस्कस कराऊंगा, ठीक है फिर मैं डिस्कस कराऊंगा,
मंडे नू, ठीक है, मंडे नू मैं आह क्वेश्चन की कराऊंगा, डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है, ये गल दस की रखना गा, ध्यान रखना गा, ठीक है, चलो भी ठीक है। तो अज का जो सैशन हैगा वह भी काफी इंपोर्टेंट है तुहाडे लई, ठीक है, क्योंकि अज आपां नूं एक नवे तरह के क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है, ये क्वेश्चन भी अपने लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। होप तो भी अज का सैशन वधिया लग्या होगा, सैशन नूं लाइक ते शेयर वध-वध करना है ताकि वह हर एक बच्चा जिहड़ा बाकी नेड़ी है, ठीक है, उहदे तक ये सैशन पहुंच सके, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब ते तुहानूं कोई कॉस्ट तां पैंदी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट तुसीं इस लैक्चर दा एडवांटेज लै सकदे हो, ठीक है, वध-वध शेयर करिया करो, लाइक करिया करो, ओके, हैव अ नाइस डे एंड सी यू सून।